press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गेम का नाम है कॉमन इंग्लिश वर्ड्स है जो आपको हिंदी में बताने हैं। अच्छा, क्या क्या इंग्लिश वर्ड्स है जो हिंदी में बताने हैं? हाँ, फर्स्ट वर्ड इज सरनेम। सॉरी, व्हाट? सरनेम, सरनेम, सरनेम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरनेम, आखिरी नाम, आखिरी नाम। आई डोंट नो क्या बोलते हैं सरनेम को। सरनेम पूरा नाम, पूरा नाम इज लाइक या कंप्लीट नेम, नहीं आखिरी नाम, आखिरी नाम। उपनाम इज प्रॉपर वर्ड, उपनाम, उपनाम। ओके, इसमें तो मैं तो हारने ही वाली हूँ, मुझे तो नहीं नहीं सच में इतना कभी दिमाग नहीं लगाया। सॉरी, सेकंड वर्ड इज डॉक्टर, चिकित्सक। अरे यार, हाँ, ऐश्वर्या राय जी। Wow, I have no idea. Okay. English medium. क्या बोलते हैं उसको? वैसे गूगल खोल के बैठी हुई बाजू में इसमें कुछ ऐसा क्या बोल सकते हैं? दूरभाष। क्या? दूरभाष, मतलब मुझे पता होता ना फिर भी मुझे याद नहीं होता। ये कहाँ है, कहाँ? पूर्वाश, पूर्वाश। Okay, easy one, easy one, selfie। अरे सेल्फी, हाँ। क्या? त्वरण चित्र। ओ अरे यार, त्वर, ये तो संस्कृत चल रहा है, त्वरण चित्र। शुद्ध हिंदी हम तो बोल चाल। माय गॉड, मतलब मेरी हिंदी तो वैसे ही खराब है, ये मराठी, मतलब ये मुंबई में जो भी रहते हैं उनकी हिंदी आई डोंट थिंक किसी की अच्छी होगी। बॉम्बे का मिक्सचर रहता है पूरा। हाँ, हिंदी फ्यूजन। तो इसीलिए मुंबई वालों की हिंदी तो पूछो ही मत। स्मोकिंग, धूम्रपान। अरे ये तो आते ही रहता है एड में। नेक टाई, नेक टाई। ओ, गले में बंधा हुआ फंदा। समवट रिलेटेड वैसी कुछ है, गले में बंधा हुआ फंदा ही हुआ कपड़ा गले में गले। नहीं, आप नहीं पता, उतना नहीं होगा अपना। आई एम नॉट इवन गोइंग टू ट्राई। कुलू वन। ओ, आई थिंक ये सब आपको सीजन 3 में काम आएंगे। अभी ना ये सब अगर आप हमें फिर से सवाल पूछोगे ना फिर भी हमें याद नहीं होगा। कोई मतलब चीज मुझे तो आई थिंक सीजन 3 में बहुत यूजफुल होगा ये सब बोलेंगे ताकि। हां सीरियसली, ये गूगल खोल के बैठो यार। डिक्शनरी। लास्ट वर्ड, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, अग्नि बुझाने वाले लोग। आधा सही था। अग्नि, अग्नि जाने वाला, अग्नि व्हीकल, व्हीकल का क्या, अग्नि गाड़ी। अग्नि बुझाने वाला कंप्लीट फूल आ रहा है। ब्रिगेड को क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड। चमक दल। ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है? ये मतलब ये बहुत ही एलियन सवाल है, ये आई डोंट थिंक किसी को पता होगा। लिखा होता है फायर ब्रिगेड के आगे, लिखा होता है। हाँ, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शो की आगे क्या हमें देखने को नया मिलेगा, क्या एक नया चेंज आएगा या क्या नया ट्विस्ट आ सकता है, जैसे कि लोगों ने पहले से एक्सपेक्टेशन रख लिए है सीजन 3 में। यस, सीजन 3 में हमें कैसे पता होगा? ओ, वो तो नो आइडिया। वो तो चैनल एंड राइटर, तो राइटर मतलब सेट पे हमारा चलता रहता था कि ओ ये ऐसे करेंगे ना तो सीजन 3 का आइडिया बन सकता है, ये ऐसे सीजन 3 बन सकता है, ये वैसे सीजन 3 बन सकता है। कोई बोलता था, मतलब भास्कर ही बोलता रहता था ज्यादातर, तो कि ऋषिकेश लेकर चलो, यहाँ लेकर चलो, वहां लेकर चलो, फिर वहां सीजन 3 बनेगा।
एक्चुअली यू नो व्हाट, जब सीजन वन हम शूट कर रहे थे तो हम सीजन टू के हिसाब से भी ये कर रहे थे कि सीजन टू में ना ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बट सीजन टू में पूरा उल्टा हुआ, कुछ जैसे डिसाइड किया था उस हिसाब से नहीं था। तो आगे अगर किसी ने अगर डिसाइड भी किया हो ना, सबकी इमेजिनेशन जाती है ना सीजन में ऐसा, थ्री में ऐसा होना चाहिए, बट वो होता नहीं है, तो अभी हम बोल देंगे तो क्या ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। मुझे तो सीरियसली मुझे रोमांटिक करना है, इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, मैंने वैसा कुछ किया नहीं है, आई डोंट थिंक मैंने रोमांटिक लव स्टोरी कुछ की है, आई वॉन्ट टू डू दैट। Okay, heartbreak, love story. But Hani Karak was like romantic. Na? Yeah, but it was like it was dramedy. So yes. Drama, comedy, or family show tha. So वैसे कुछ particular love story नहीं थी. For you? For me, I think I have explored comedy characters a lot because my first three shows were comedy characters and. और उसके बाद आई थिंक मैंने रोमांस एक्सप्लोर कर दिया वर्जन भास्कर में, जितना मेरा और मैंने रोमांस एक्सप्लोर कर दिया। आई ट्राई अ वेरी वैसा कैरेक्टर, यू नो लाइक अ सस्पेंस थ्रिलर टाइप ऑफ स्टोरी, जहाँ पे मुझे ना नेगेटिव करने को मिले तो मुझे बड़ा मजा आ जाएगा। यू नो आई नो माई फेस लुक्स इनोसेंट, बट द मोमेंट आई थिंक इफ आई ट्राई आई कैन प्ले नेगेटिव एज वेल, सो आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट। दैट्स नाइस, इट्स वेरी चैलेंजिंग एज वेल। So much. Thank you, Aishwarya. Thank you, Jia, for coming and giving up this time and all the best. Thank you. Bye. Bye. Bye.